दिस इज रवि वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल रवि भिलो। सर, इस वीडियो में आप क्या क्या क्वेश्चन कवर करोगे? सबसे पहला, व्हाट इज डिमांड? नंबर टू, व्हाट इज डिमांड कर्व? एंड नंबर थ्री, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? इन तीनों सवाल का जवाब हम इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाएंगे और सिखाएंगे भी। तो सबसे पहले डिमांड का मीनिंग को देखते हैं। डिमांड में बी डिफाइन एज अ डिजायर, ये देखिए पहला वर्ड आया जिसको हमें समझाना है आपको, फॉर अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ये दूसरा वर्ड आया, डेट अ कंज्यूमर इज एबल, तीसरा वर्ड, एंड विलिंग, चौथा वर्ड, टू बाई एट ए गिवन टाइम, पांचवा वर्ड, एंड एट ए गिवन प्राइस, छठा वर्ड। इन छह वर्ड को हम समझाएंगे और आप डिमांड का मीनिंग समझ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिमांड में भी डिफाइन एज डिजायर। सर, डिजायर मतलब क्या होता है? डिजायर मतलब विश, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी चीज का इच्छा रखना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिजायर। तो सपोज मेरा इच्छा है कि मैं एक बुलेट बाइक खरीदूं, तो मेरा डिजायर क्या है? टू परचेज अ बुलेट बाइक, करेक्ट। तो देखिए, डिमांड में भी डिफाइन एज डिजायर ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। तो मेरा कमोडिटी क्या है सर? बुलेट बाइक। क्वांटिटी कितना है? एक। मुझे एक बुलेट बाइक चाहिए। डेट अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग, जिसको कोई भी कंज्यूमर, एबल मतलब उसके पास एबिलिटी हो। सर, एबिलिटी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, उसके पास क्षमता हो जिससे कि वो बुलेट बाइक को एफोर्ड कर पाए। आगे चलते हैं। एंड विलिंग, सर विलिंग मतलब क्या होता है? विलिंग मतलब रेडी टू पे। यहां देखिए लिखा हुआ है रेडी टू बाय और पे। आपका डिजायर क्या था? बुलेट बाइक खरीदना, वेरी नाइस। दूसरा, आपकी एबिलिटी थी कि नहीं? सर, उसका दाम कितना था? सर 2 लाख। आपके पास उतने पैसे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे पास पैसे हैं, मेरे उतना औकात है, मेरी उतनी कैपेसिटी है, मैं उतना सक्षम हूं कि बाइक खरीद पाऊं, वेरी नाइस। तीसरी बात आती है विलिंगनेस। तो क्या जब आप शोरूम पहुंचो तो आप क्या 2 लाख रुपए गिन के देने की क्षमता रखते हो? दिस इज कॉल्ड विलिंगनेस। अपने रिसोर्सेस को, अपने कैश को, अपने पैसे को दूसरे को देने के लिए तैयार रहना, इसको हम क्या बोलते हैं? विलिंगनेस। जब तक ये तीनों शब्द एक साथ नहीं आए, वो डिमांड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन था कि आप बुलेट बाइक खरीदें, क्या इसे डिमांड कहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिजायर जब तक सपोर्टेड नहीं होगा इन दो वर्ड से, डेट इज एबिलिटी एंड विलिंगनेस, तब तक ये डिजायर डिमांड नहीं होगा, वेरी नाइस। आगे चलते हैं। टू बाई एट ए गिवन टाइम एंड एट ए गिवन प्राइस, किसी एक समय में और किसी एक दाम पे जब आप किसी डिजायर को पूरा करने के लिए एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों रखते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड। एक और मिलता जुलता शब्द है जिसका नाम क्या है? वांट्स। सर, वांट्स क्या होता है? वांट्स मतलब जब आपकी डिजायर तो पूरी है, आपका इच्छा बिल्कुल है कि आप बुलेट गाड़ी खरीदो, वेरी नाइस। आपके पास क्या कैपेसिटी है? हाँ सर, मेरे पास कैपेसिटी भी है, 2 लाख रुपया है, बट आप पैसे देने के लिए रेडी नहीं हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वांट्स बोलेंगे। तो क्या सर वांट्स को डिमांड बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। डिमांड होने के लिए हमें तीनों शब्द चाहिए। एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या है वो तीनों शब्द? सबसे पहले डिजायर टू परचेज, दूसरा एबिलिटी टू परचेज, और तीसरा विलिंगनेस टू परचेज। जब तक ये तीनों शब्द नहीं आएंगे, तब तक आप डिमांड नहीं बोल पाएंगे। तो एक बार फिर से हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डिमांड में भी डिफाइन एज डिजायर फॉर ए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डेट कंज्यूमर इज एबल, वो ऐसा डिजायर जिसको पूरा करने के लिए कंज्यूमर के पास एबिलिटी हो, डेट इज कैपेसिटी हो, विलिंगनेस डेट इज वो रेडी टू पे हो, और किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे और किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम डिमांड बोलते हैं। अब आपसे कोई भी डिमांड पूछे तो आप जरूर से ये वाला डेफिनेशन बताएं और ये तीनों शब्द का यूज करें, डेट इज डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस। जब तक ये तीनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए और किसी पर्टिकुलर प्राइस के लिए, तब तक वो डिमांड नहीं हो सकता।